पिछले कई दिनों से समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको पीछे कई कई वीडियो दिए जा चुके हैं। आज चार प्रश्नों का एक वीडियो फिर से आप देखिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सबको क्रम से आप देखिए। पहला प्रश्न है x क्यूब माइनस वन की घात 1/3 x की घात 5 dx। इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस वन घात 1/3 x की घात 5 को हम लिख लेंगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब उसके बाद फिर मान लेंगे, माना x क्यूब माइनस वन बराबर टी, तो हो जाएगा x क्यूब बराबर टी प्लस वन। अवकलन कर दीजिए 3x² डी एक्स बराबर डी टी, 3x² डी एक्स बराबर डी टी, तो x² डी एक्स बराबर आ जाएगा x² dx बराबर 1/3 dt का मान आ जाएगा आपका 1/3 dt। इसी से मिलान कर लीजिए, x² dx जो है ये पूरा हो गया आपका 1/3 dt। और उसके बाद में x³-1 को क्या माने थे, t माने थे, t हो गया t की पावर 1/3। और उसके बाद में x³ है, x³ की जगह पे लिख देंगे, x³ का मान क्या है, t+1 लिख दीजिए, t+1 इतना आ जाएगा, t³ (1/3) t+1 (1/3 dt। 1/3 बाहर कर दीजिए। और उसके बाद इंटीग्रेशन t³ (1/3) में जब t का गुणा होगा तो 1 है पावर, 1/3 में 1 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 4/3 t⁴/3 प्लस t⁴/1/3 डी टी। और इसके बाद यहाँ पे 1/3 t⁴/3 का समाकलन, t⁴/3 + 1/4/3 + 1, तो आ जाएगा t⁷/7/3 / 7/3, तो इसमें 3/7 t⁷/7/3 और प्लस, इसको ऐसे ब्रेकर में लिख दीजिए दोनों समाकलन, इसमें हो जाएगा 4/3 / 4/3, तो 3/4 t⁴/4/3 + 7, ये हो जाएगा 1/3 t का मान लिख दीजिए 3/7 और t का मान है x³ - 1 की घात 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 की घात 4/3 और ब्रेकेट बंद कर दीजिए प्लस सी, ये इतना हो जाएगा। तो करना क्या है, x⁵ को x³ × x² लिख लेंगे और x³ - 1 जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है इसको t मान लेंगे, तो इसको जब t मानेंगे तो x³ (t+1) अवकलन कर देंगे 3x² dx = dt, और x² dx जो लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो 1/3 dt, वही 1/3 dt लिख लेंगे। और उसके बाद x³ - 1 की जगह पे t⁴/3 और x³ × t+1 दोनों का गुणा करके समाकलन लिख देंगे, इस तरह से बाद में t का मान भी लिख देंगे x³ - 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos²(-2) + e³(3x+2dx। जब इसका समाकलन करेंगे तो बस केवल आप देख लीजिए, जैसे cos इसको पूरा x समझिए तो cos x का हो जाता है sin x, sin²(5x-2), x में 2/5 से गुणा है तो 2/5 से भाग कर देंगे तो वही 5/2 यहाँ पहले लिख लीजिए, x में जिससे गुणा रहता है समाकलन में उसी से भाग हो जाता है, तो 2/5 से गुणा है तो यहाँ 5/2 से गुणा हो जाएगा sin 5/2 sin 2/5 x-2, इसका समाकलन हो जाएगा प्लस। और उसी तरह से e⁻ x वाला सूत्र लगा देंगे, e⁻ x का मतलब e³(3x+2) / log a बेस e, और उसके बाद में x में 3 से गुणा है तो 1/3 पहले लिख लेंगे बस, 1/3 x में 3 से गुणा है तो 3 से भाग कर लेंगे 1/3 इतना लिख देंगे प्लस c, ये इतना हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, cos x का sin x होता है, x में जिससे गुणा है उसी से भाग कर लेंगे
और उसी तरह से इसमें भी एक पावर एक्स वाला फार्मूला लगा देंगे और एक्स में तीन से गुणा तीन से भाग कर लेंगे, बस इतना आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर फाइव लॉग एक्स माइनस ई की पावर फोर लॉग एक्स अपान ई की पावर थ्री लॉग एक्स माइनस ई की पावर टू लॉग एक्स डी एक्स। इसको पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर, जैसे फाइव लॉग एक्स है इसको लॉग एक्स की पावर फाइव ले सकते हैं, लॉग एम की घात एन पहले इस तरह से रहा होगा, फिर उसके बाद फाइव लॉग एक्स माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर फोर हो जाएगा अपान ई की पावर लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक लॉग वाला एक फार्मूला है, जैसे ई की पावर लॉग बेस ई है और उसके बाद यहाँ चाहे जो भी संख्या हो ये पूरा मान हट जाएगा, यही संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ साइन एक्स है इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कास एक्स है कास एक्स हो जाएगा, यक्स है केवल तो यक्स हो जाएगा, जो भी होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से मिलान कर लीजिए, ई की पावर लॉग एक्स पावर फाइव बेस ई रहता ही है, ये पूरा हट जाएगा, मान क्या हो जाएगा एक्स पावर फाइव, तो मान आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पावर फाइव माइनस एक्स पावर फोर अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पूरा फलन इस तरह से बन जाएगा। और एक्स पावर फोर कॉमन कर लीजिए आंसर से, एक्स की पावर फोर ब्रेकेट में बचेगा एक्स माइनस वन, हर में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए एक्स माइनस वन बचेगा, तो एक्स एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स पावर फोर की दो घात कम हो जाएगी, बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुल मिला के इसी का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस सी, उसके बाद ये याद रखिए कि ई की पावर लॉग ई रहेगा तो लॉग ई की पावर लॉग एक्स पावर फाइव बेस में अगर ई है तो पूरा हट जाएगा, मान क्या हो जाएगा एक्स पावर फाइव। लास्ट क्वेश्चन है चौथा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स पावर वन अपान टू प्लस एक्स पावर वन अपान थ्री। इसके लिए पहले मान लीजिए, माना एक्स एक्स बराबर टी की घात छः, एक्स को क्या मान लेंगे टी की घात छः मान लेंगे, डी एक्स बराबर आएगा सिक्स टी की पावर फाइव डी टी, डी एक्स इक्वल आएगा सिक्स टी की पावर फाइव डी टी। तो इंटीग्रेशन मान पूरा रख दीजिए, सिक्स टी की पावर फाइव डी टी डी एक्स की जगह पे अपान टी की घात छः और पूरी घात एक बटे दो प्लस टी की घात छः घात एक बटे तीन, और उसके बाद हो जाएगा सिक्स टी की पावर फाइव अपान टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, यहाँ दो तीन छः हो जाएगा टी क्यूब और तीन दूनी छः टी स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन टी की पावर फाइव अपान टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कॉमन कर दीजिए टी प्लस वन बचेगा डी टी, और सिक्स इंटीग्रेशन अब उसके बाद कम कर दीजिए घात टी क्यूब हो जाएगा अपान टी प्लस वन डी टी। बताए थे जब घात अंश की घात ज़्यादा हो हर की घात से तो भाग दे देते हैं, टी प्लस वन से भाग कर दीजिए टी क्यूब में, तो टी क्यूब में भाग करेंगे तो पहले टी स्क्वायर भाग जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस कट जाएगा माइनस टी स्क्वायर आएगा, माइनस टी भाग जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये प्लस हो जाएगा ये भी प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस वन बार तो टी टी प्लस वन माइनस माइनस कर दे माइनस वन आएगा, तो इतना सही इतना बटे लिख दीजिए टी प्लस वन। तो सिक्स इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन न प्लस माइनस वन अपान टी प्लस वन, तो सिक्स टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपान थ्री,
थ्री क्यूब अपान थ्री माइनस, इसको ब्रेकअप नहीं लिख लीजिए, टी स्क्वायर अपान टू हो जाएगा, प्लस वन का टी हो जाएगा और माइनस वन अपान टी प्लस वन का लाग टी प्लस वन हो जाएगा। जैसे वन अपान एक्स का लाग एक्स होता है, वन अपान टी प्लस वन का लाग टी प्लस वन प्लस सी। और इसके बाद टी का मान आप रख दीजिए हर जगह, टी का मान कितना होगा, एक्स की घात एक बटे छः होगा। तो इम्प्लाइज यहाँ लिख दीजिए टी बराबर एक्स की घात एक बटे छः, यही एक्स की घात एक बटे छः टी की जगह पे मान रख देंगे। एक्स की घात एक बटे छः सिक्स ब्रेकेट में एक्स की घात एक बटे छः की घात तीन बटे तीन माइनस एक्स की घात एक बटे छः का स्क्वायर बटे दो प्लस प्लस टी है टी प्लस एक्स की घात एक बटे छः माइनस लाग लाग एक्स की घात एक बटे छः प्लस वन प्लस सी सिक्स। और इसको तीन दूनी छः एक्स की घात एक बटे दो मतलब रूट एक्स, रूट एक्स अपान थ्री माइनस एक्स की घात एक बटे तीन बटे दो प्लस एक्स की घात एक बटे छः माइनस लाख एक्स की घात एक बटे छः प्लस वन प्लस सी, इतना हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं भी एक्सरसाइज में मिल जाए उसको सॉल्व करिए। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन फिर बताए जाएंगे।